ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो सुकून से पैर पे पैर डाल लेके वीडियो देखो। वेलकम टू चिल्लर शार्क टाइम। पूरा वर्ल्ड वाइड घूमने के बाद वही चाह गए अपन सिरपुर कागजनगर में, जहाँ अपन रहते। चिल्लर शार्क टाइम बोले तो शार्क, बोले तो बिजनेसमैन, और उसके सामने आते कंटेस्टेंट उनका आइडियाज लेकर। तो चलिए हमारे शार्क से मिलते हैं। तो ये है हमारे वसूली भाई, सीईओ ऑफ जीपे के, और ये हमारे शेख साहब तलाक खान काजी.com के, और ये हमारे भोकना वसीम, सीईओ ऑफ जुबॉन के। तो चलिए अपन शुरू करते हैं चिल्लर शार्क टैंक। आई शार्क शार्क मेरे भाई, शार्क मेरे शार्कपुर। ओके शार्क, शार्क नहीं मेरे भाई, शार्क। ओके शार्क, वही तो बोला ना मैं, शार्क शार्क भाई शार्क। ओके शार्क शार्क भाई शार्क। ओके शार्क शार्क नहीं फारुक बोल मेरे को। ओके फारुक बोल, अस्सलाम वालेकुम। अरे जान मेरे भाई, तू चिकोड़ दिख रहा, तेरा प्रोडक्ट बता रहे भाई। ओके मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। ये है मेरा प्रोडक्ट, इसका नाम है टाइगर चड्डी, शेर के पिंजरे। चड्डियाँ तो नॉर्मल भी रहती है, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी चड्डियों में? चड्डी की खासियत ये है कि हमारे पास व्हाट्सएप के लिए हरा, फेसबुक के लिए ब्लू, और इंस्टाग्राम के लिए पर्पल, और यूट्यूब के लिए रेड है, और सभी प्लेटफॉर्म के लिए अलग से अलग है, और जो बीच वाले है उन लोग हाफ डायर भी है। वाओ नाइस, हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, मगर इसमें तुम्हारी कमाई कितनी है और कितने साल से कर रहे तुम? मैं ये तकरीबन 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन एक जिंदगी में हर कुत्ते का दिन आता, वैसे भी मेरा भी दिन आया था, वो दिन था टिकटॉक का। टिकटॉक में जितने भी टिकटॉक स्टार है उन लोग को मैं ये चड्डियाँ सेल करा, और उल्ला देखी मेरी चड्डी पहन के आज देखो कहाँ कहाँ है, सुपर स्टार बन गए सुपर स्टार। अच्छा तो वो ठीक है, अभी तो टिकटॉक नहीं है, अभी तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा बिजनेस का क्या हाल है? तो मैं एक ऐप लॉन्च करा जिसमें मेरा खुद का ब्रांड की चड्डी, जो कि टाइगर चड्डी, जो मेरा टाइटल है शेर के पिंजरे, वही बेच रहा हूँ मैं। अभी तो फिल वक्त इंडिया में बेच रहा हूँ, और काफी अच्छा मेरा चल रहा है। अच्छा तो तुम ये एक साल में प्रॉफिट बताओ कितना है चड्डी से? एक साल में मेरे को कम से कम 3.5 करोड़ रुपए मेरे को प्रॉफिट आया सिर्फ ये शेर के पिंजरे बेचकर। 3 करोड़? तो चलो मैं तुम्हारे चड्डियों में इंटरेस्ट करता हूँ, मैं लूंगा तुम्हारे चड्डी। तो मगर एक डाउट है मेरे को, ये चड्डी की तुम इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हो, वही ना? जी हाँ, इंटरनेशनल लेकर जाना। तो नाम वही रखेंगे क्या, टाइगर चड्डी? नहीं, इंडिया में टाइगर चड्डी रहेगा, और जो बाहर फॉरेनर में उसका नाम रहेगा सवा शेर। जी हाँ, सवा शेर रखूंगा मैं अपनी चड्डी। कितना पैसा चाहिए? मुझे चाहिए पैसा चाहिए, वो भी 50 लाख रुपए। तो 50 लाख चलो मैं दे रहा हूँ तुम्हारे को, तो बोलो 50 लाख में तुम क्या करते? 50 लाख रुपए में मैं करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मैं और तुम मिलकर अय्याशी करेंगे, बैंकॉक जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, थाई मसाज कराएंगे, वगैरह वगैरह, पूरा वर्ल्ड वाइड घूमेंगे जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाते 50 लाख। उसके बाद अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे टाइगर चड्डी का, शेर के पिंजरे। तुमला नको आओ, मैं जा रहा चांद भाई के साथ बंदे भाई। ओके मेरे डानू भाई मुबारक, ये अपन जा रहे बैंकॉक। चाय वाले, चाय मसाला, चाय गरम गरम, चाय वाले। अरे चिल्लर शो में इतनी जल्दी चाय वाले को बुलाते रे चिल्लर? हाय शार्क। अरे कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट है आपकी तारीफ? मेरे को चीख मार चाय वाला बोलते। काई को बोलते? आके बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, चाय टेस्ट करना है। ग्लास भी ब्रांड मामूली हल्के नहीं होते अपन, हल्के में मत लो। वाह, चीख मार चाहिए बट्टे, इसलिए मेरे को चीख मार चाय वाला बोलते। अच्छा अच्छा, चीख मार चाय वाला तुम्हारा नाम है? तो तुम्हारे चीख मार चाय जो आप बेच रहे वो प्रॉफिट कितना है उसमें? मेरा दिन का डेली का 10,000 रुपए कमाता हूँ। 10,000 कमाने वाला इधर क्या कर? मैं अपना शेयर 50% देना चाह रहा हूँ आपको, मुझे एक काम नहीं होता। 50% क्या ये काम? काम करना कुछ भी नहीं है, मुझे 4 बजे उठाना है, 4 दूध के पैकेट है, शक्कर और चाय पत्ती साथ में लाना है। कहीं को बोलता मेरे को सुबह उठना हाथ नहीं होता भाई, मेरे से तो सुबह उठना हाथ नहीं होता, मैं खुद दोपहर में उठता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता उठाने। अल्लाह हाफिज़।
मेरे से तो सुबह उठते होता, मैं फजर में उड़ता हूँ मैं, और मेरी एक्सेल लेके तेरे को चाय दूध तेरे को जो होना वो लाके देता हूँ मैं, तेरे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट हूँ। क्या फजर में उड़ता रहे, मैं तहज्जुद में उड़ता हूँ, मेरे पास पंडिला वाली एक्सेल है, मैं उससे लाके देता हूँ तेरे को, मैं खरीद ले ये ले पट्टे। भाईजान भाईजान बोल रहा है यार साले, सॉरी सॉरी, हाय शार्क्स। ओके हाय, मेरा नाम है सलीम। ओह नो, हैदराबाद में बहुत फेमस हूँ मैं, है ना, पॉइजन बेचने का काम करता हूँ। अच्छा, यही पॉइजन क्या फुटपाथों पे मिलते हो? और डुप्लीकेट तुम्हारे बाबा लगा। अरे बाबा तक जा रहा है साले, मेरे पास है ना 700 किस्म के पॉइजन की शीशियां हैं। और जब भी जाता ना पार्टियां में, एक सेंट पूरी सेंट की शीशी डाले जाता हूँ, चड्डियों में, झांगे में, इधर उधर शूज में। तो तुम ये प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे? मैं मेरे प्रोडक्ट को है ना ऑल इंडिया में फेमस करना चाहता हूँ। ये मेरा परफ्यूम है ना कि हैदराबाद बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। तो खासियत क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट की, वो बताइए। मेरे प्रोडक्ट की ये खासियत है कि आप इसको एक बार लगेंगे ना, आपकी हालत फट जाएगी, आपके कपड़े फट जाएंगे, धोते धोते मगर इसकी खुशबू नहीं जाएगी। चल तो हम बता सकते हैं आपका प्रोडक्ट? शेख आपके लिए। वल्लाह हबीबी, बॉस मेरे को तुम्हारा अतर पसंद नहीं आया, मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ, आई एम आउट। पट्टे मेरे को ये बेहतरीन पसंद आया। तेरे को बहुत ही पसंद आया ये अतर। मामा देखो, अपन पहले जुम्मा को जुम्मा पानी नहाते, इसकी सब तो जरूरत है अपने। और पट्टे मैं तुम्हारे साथ इसका 1 करोड़ में डील करना चाहूँ। इसके साथ अगर तू पार्टनरशिप करेगा तो डूब जाएगा, अगर मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले तेरे को 2 करोड़ रुपए और 30% इक्विटी के साथ दूंगा। मंजूर है तेरे को डील? ठीक है सर। यस, हाय शार्स, आपकी तारीफ। माय नेम इज चांद भाई, बोलते अंदर भी बोलते हैं बाहर भी बोलते हैं, तुम लोग आप ही बोलना। अब तो नहीं बोलता, मेरा प्रोडक्ट नहीं बताता हूँ। मेरा प्रोडक्ट बताने से पहले उसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा प्रोडक्ट 1 in 4 है, मतलब 1 से 4 चीजा तुम लोग कर सकते। कैसा? अरे क्या, तुम्हारे दांत मजबूत होते, क्लोजअप से तुम्हारे दांत व्हाइट होते, और जो है सो कोलगेट से दांत क्या है तो खुशबू आती तुम्हारे। लेकिन मेरा प्रोडक्ट कैसा है मानो? आखिर है क्या प्रोडक्ट? मेरा प्रोडक्ट है फिनाइल। भाई ये तो घर पर धोते समय ना, ये एक फिनाइल हर चीजों का हल है। oh, no! तुम्हारे मुंह से बदबू क्या सब कुछ चले आती, तुम 2 ढक्कन पिए तो तुम भी चले आते। तो अच्छा, तो आपकी कमाई कितनी हो जाती है? मेरी कमाई हो जाती है तकरीबन 10-20 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। साल के या महीने के? मैं महीने के कमा लेता हूँ। इसीलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ कि मेरा प्रोडक्ट नेशनल नहीं इंटरनेशनल चले। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल में आपका नाम क्या रखेंगे इसका? मैं इंटरनेशनल रखना चाह रहा हूँ, मैं इसका जो है फिनाइल नहीं फिनाइल 2 रखूंगा, ग्रैंड फिनाइल रख दूंगा। तो आपको पैसे कितने चाहिए हम तीनों में से? मुझे इक्विटी वगैरह तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए? लेकिन 90 लाख तो नहीं, 50 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको 20% इक्विटी देना पड़ेगा। 20%? एक बात सुनो, ये सब ढोकला बने। अगर आप हम तीनों में से किसी के पास चूज करना चाहोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप तीनों में से किसके पास आना पसंद करेंगे? मैं शेख साहब के साथ जाना चाहता हूँ। वजह ये है कि शेख वहाँ की क्या है तो हलाल रहते, खुडिया भी साफ नहीं, मुंह तक नहीं धोते तो खुडिया कहाँ से साफ करेंगे? और इसकी फोर्थ मैं आप लोग को बोला नहीं, फोर्थ इसका काम ये है कि तुम हमारे घर में मिरर नहीं रहा, जो तुम खुडी में साफ करते ना फिनाइल से, वो खुडी में जाके देखो तो तुम्हारा चेहरा दिख जाता। घर में ऐनक रखने की जरूरत नहीं है, घर में ऐनक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है शेख साहब, आप जा सकते हो आपका। मैं इसको खरीदूंगा हबीबी, मैं पूरा दुबई अंगार मेरे पे भी प्लॉट डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, हम लोग अभी आपको 1 मिनट टाइम देंगे क्योंकि हम दोनों बहुत इंटरेस्ट है। ओके सर, मैं अभी आप डिस्कस करेंगे, इससे पहले डिस्कस से आप हम लोग चितबत डालेंगे, उसके बाद जो टास्क जीता उन लेने का है।
ठीक है चलो डील डन। देख रहे भाई सीधी बात, तेरे को मेरे को इंटरेस्ट है okay. ये फिनाइल के ऊपर okay. तू लेके गए ऐसा दिख रहा, ये देख रहे भाई चीता तो तेरा बता तो मेरा कौन चार नहीं फिनाइल ठीक है मंजूर है चल मंजूर है लाके आ जाए चल टॉस कर अभी। अरे चीता गया रे भाई तेरी किस्मत अब तू ले रे बचपन से जीतते आ रहा पर बहुत बड़ा जुआड़ी दिख रहा तू अरे पूरा दुबई खरीद लिया रे ले 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 उसको खरीद लूंगा 50 लाख ठीक है आज से ये फिनाइल तुम्हारे घर के पूरे खुडिया साफ करेगा से काम चालू करेंगे। ये है ना मेरी दुकान का है ना खासियत है दुकान का नाम है यारो मेरी दुकान है ना पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया में फेमस है और मेरी दुकान में है ना एक से एक एंटीक पीस कफन मिलेंगे आपको। अच्छा तो कफन वाला तो ये कफन से तुम्हारी कमाई कितनी होती। अभी तो है ना मुझे इस कफन से लॉकडाउन में बहुत सारा फायदा हुआ है जिसकी वजह से है ना मैं इसमें बहुत सारी कमाई भी कर चुका हूँ लॉकडाउन में इसमें मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। पुराना माने तो आपकी कमाई बोल सकते हैं हमारे मुझे है ना इस लॉकडाउन में है ना मुझे कम से मिनिमम एक 20 से 25 करोड़ का है फायदा हुआ है मुझे इस कफन से महीने का। अरे रे पुराना माने तो आप आपकी कोई कार बाइक वगैरह कुछ है क्या। हाँ मेरे पास बहुत से कार है जैसा कि है ना फॉर्च्यूनर ऑडी और BMW। ये बिजनेस आप कितने साल से कर रहे हैं। ये बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं है ना 20 साल से कर रहा हूँ और 20 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। तो अच्छा तो आप ये कफन कितने में बेचते हैं आपको कितने में पड़ा है। ये कफन मुझे मिलता है 50 रुपए में और मैं बेचता हूँ 100 रुपए में डबल प्रॉफिट होता है। तो आप अभी तक 20 साल में कितना कमाए हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये 20 सालों में है ना काफी कुछ कमाया हूँ और ज्यादा मुझे है ना मुझे बेनिफिट मिला है मुझे सिर्फ लॉकडाउन में मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला मुझे इसमें और जिस मेरा बिजनेस जो है ना टर्न हुआ मुझे सिर्फ लॉकडाउन से ही टर्न हुआ है जिसमें मैंने काफी कुछ कमाया है बहुत सारी प्रॉपर्टी है मेरी 1200 आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह 1200 करोड़ का मालिक हूँ मैं। 1200 करोड़ oh, no! 1200 करोड़ का करे क्या। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 करोड़ का मैंने है ना एक बंगलो लिया जिसका कलर भी वाइट ही है और मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है जो भी वाइट है उसका कलर भी वाइट है और एक ऑडी है एक BMW है उनका कलर भी सेम सफेद है एकदम वाइट कलर है उनका। तो आप यहाँ गए भाई। अब मैं अपना बिजनेस को है ना पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता हूँ मेरा कफन जो कि पूरे वर्ल्ड में बिके और मेरा कफन पहनने के लिए हर कोई चाहे कि मेरा कफन सलीम का कफन पहने और मेरा कफन को है ना मैं पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप है ना मेरे प्रोडक्ट को खरीदे और इसको है ना पूरे वर्ल्ड में फेमस करें। 25 करोड़ पूरा आप इंटरनेशनल तक बेचोगे। हाँ पूरा देखो तो आप ये ऐप के जरिए बेचोगे या आप ऐसा ही बेचोगे दुकान के जरिए। ऐप के जरिए बेचूंगा और क्या बोलते हैं ना शॉप के जरिए से ही बेचूंगा। भाई 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 एक आपके लिए बहुत बेहतरीन डील है आपका बंगला मेरा नाम कर दो मैं जाके कपड़ा बेच लेते रहता हूँ ये आपको डील मंजूर है क्या। ये सब छोड़ दो ये पूरा फालतू बंगला मेरा नाम कर दो मैं जाके पूरे कफन बेच देता हूँ क्या बोलते आप इलंगा छोड़ो ये पूरे हवले गांव कर रहे आप सोचो बंगला मेरे दे दो मैं जाके कफन आप बेचता हूँ और जो भी पूरा आता वो हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे जी ठीक है आपकी मुझे डील देनी है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मारो और कफन बुक कर और कफन होना तो बुक करो और अतर होना तो भी ऑर्डर कर दो। और सबसे पहली बात ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी देख सकते हैं आप लोग मिनिमम 12 बज चुके हैं अभी रात के तो इतना हमारे तमशीर भाई और नईम भाई हमारे चांद भाई कितना जबरदस्त करे अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस करना और प्यारा सा कमेंट करना। हबीबी कम टू एपिक व्लॉगर चलो मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।